555 मंजिला वाशिंगटन मॉन्यूमेंट की परछाई, यहाँ पर लिंकन मेमोरियल के सामने जो पानी है उसमें दिखाई देती है और ये लिंकन मेमोरियल। नमस्कार दोस्तों, योगमाया की यात्रा में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज की हमारी यात्रा है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। सो आज हम लोग यहाँ पर हैं, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं मॉन्यूमेंट, और इसके साथ में हम लोग देखेंगे व्हाइट हाउस, यहाँ का म्यूज़ियम, और मैं पूरे आपको वाशिंगटन DC की सैर कराती हूँ। तो ये अब यहाँ पर वाशिंगटन मॉन्यूमेंट के ग्राउंड में हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले फरवरी में आई थी, तो देखिए आइस स्नो जमी हुई थी, पर अब मैं वापस मार्च में आई हूँ, फिर जुलाई में भी आई, तो मैं आपको अलग अलग सीजन्स के दिखाती हूँ। तो अब ये देखिए मार्च में यहाँ पर बर्फ़ तो नहीं है, पर पेड़ों में पत्ते अभी तक नहीं आए हैं। तो जनरली आप या तो यहाँ पर ट्रेन ले सकते हैं या फिर एक कैब के साथ में आकर आप उतर सकते हैं नियर दी मॉन्यूमेंट एरिया, और एक बार जब आप उतर जाते हैं तो सारी चीज़ें एकदम पास पास हैं, वहीं से आप लिंकन मेमोरियल जा सकते हैं, वाशिंगटन मॉन्यूमेंट जा सकते हैं, व्हाइट हाउस देख सकते हैं और स्मिथसोनियन म्यूज़ियम भी देख सकते हैं। सो मैं कैब से ट्रेजरी डिपार्टमेंट के वहाँ पर उतर गई थी। सो यहाँ से जस्ट थोड़ा सा ही पास में चलना है क्योंकि गाड़ियाँ इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है अंदर जाने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ व्हाइट हाउस की तरफ। तो ये मॉन्यूमेंट बिल्डिंग है, अब हम व्हाइट हाउस के सामने आ चुके हैं, बट अब काफ़ी दूर कर दिया है और ऊपर से ये बहुत ऊंची फेंस लगा दी है, तो आप बहुत ही कम देख पाते हैं। अब मॉन्यूमेंट की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ही वॉक है यहाँ पर और सभी कुछ पास पास है। ये मॉन्यूमेंट पास में है, फिर वहीं से लिंकन मेमोरियल भी है। तो आप एक दिन में ही आकर सभी कुछ देख सकते हैं और यहाँ से व्हाइट हाउस ज़्यादा अच्छा दिखता है। ये व्हाइट हाउस, वाशिंगटन मॉन्यूमेंट है जो 1848 में बनना शुरू हुआ था, हाउएवर 1854 से 1877 यानी कि लगभग 23 ईयर्स के लिए इसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया था ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, एंड देन बाद में ये 84-85 में बनकर कंप्लीट हुआ 1884-85 में, एंड 1888 में ये लोगों के लिए ऑफिशियली खुला अक्टूबर में। मॉन्यूमेंट के नज़दीक में ही बच्चे पतंगबाजी करने आते हैं। लिंकन मेमोरियल है, ये बैकग्राउंड में व्हाइट हाउस दिख रहा है, लोग यहाँ मैदान में खेलने आए हैं। ये वर्ल्ड वॉर टू का मेमोरियल है जो कि वाशिंगटन म्यूजियम और लिंकन मेमोरियल के बीच में है।
आज देखिए मौसम बहुत ही प्यारा है और इस लिंकन मेमोरियल के सामने जो पानी है उसमें इस वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट की परछाई बहुत ही सुंदर दिखती है। ये ओवल फाउंटेन है यहाँ पर और ये सारे पिलर्स जो आप देख रहे हैं ये 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस वर्ल्ड वॉर टू मेमोरियल में। और यहाँ पर लगभग जो जितने अमेरिकन्स जो 400,000 अमेरिकन्स शहीद हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। यहाँ से मैं लिंकन मेमोरियल की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पर कोई म्यूजिक प्ले कर रहा है। मंजुला वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट की परछाई यहाँ पर लिंकन मेमोरियल के सामने जो पानी है उसमें दिखाई देती है और ये लिंकन मेमोरियल है। वॉशिंगटन आते हैं तो आपको कार रेंट करना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर देखिए सेगवे हैं जो आप रेंट कर सकते हैं और स्कूटर भी रेंट कर सकते हैं, बाइक्स रेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कई साधन हैं जो आप आराम से रेंट करके घूम सकते हैं। लिंकन मेमोरियल का जो एक्सटीरियर आप देख रहे हैं ये यूल मार्बल से बना है जो कि यहाँ कोलोराडो की क्वारी से लाया गया है। ये मेमोरियल ग्रीक टेंपल की तरह बना है। ये वाइट मार्बल से बनी हुई 19 फीट ऊंची लिंकन की प्रतिमा है और ये अब्राहम लिंकन का स्टैच्यू है विच इज फेसिंग द वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। तो जो ही आप वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के वहाँ से निकलते हैं यहाँ पर पूरी लाइन लगी हुई है तरह तरह के खाने आइसक्रीम सभी की। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्मिथसोनियन म्यूजियम। सो ये पॉलिनेटर गार्डन है यहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पर बीज के महत्व को दिखाया गया है कि हाउ बीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिनेशन और यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के आपको फ्लावर्स दिखेंगे जो अट्रैक्ट करते हैं बीज को। ये जस्ट स्मिथसोनियन म्यूजियम के बाजू में था इसलिए आई थॉट मे बी पहले ये देखकर फिर मैं स्मिथसोनियन म्यूजियम में जाती हूँ। तो यहाँ पर बीज के लिए तो अंदर ये लगे हुए इतने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स बट और भी प्लांट्स लगे हुए हैं बाहर जो कि बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर उनके बारे में लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कौन सी बर्ड्स को ये प्लांट्स अट्रैक्ट करते हैं। तो ये स्कल्पचर गार्डन है यहाँ पर तो अलग अलग तरह के स्कल्पचर बने हुए हैं और ये भी पॉलिनेटर गार्डन और स्मिथसोनियन म्यूजियम के बाजू में है। तो स्कल्पचर बने हुए उसके साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े भी है और जब मैं विंटर में आई थी तो यहाँ पर मैंने फेब्रुअरी में आई थी तो यहाँ पर आइस स्केटिंग भी हो रही थी तो आपको मैं उसका दिखाती हूँ। यहाँ पर जब मैं फेब्रुअरी में आई थी तो किस तरह से आइस स्केटिंग, ये स्केटिंग रिंक है यहाँ पर जिसमें आइस स्केटिंग हो रही है।
तो मैं यहाँ पर अब ये स्मिथसोनियन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में आई हूँ और यहाँ पर ये लोग दिखाते हैं कि हाउ हम लोगों का प्लैनेट शुरू से किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हाउ द ह्यूमन ओरिजिन के बारे में भी बताते हैं, फॉसिल्स हैं, मैमल्स किस तरह से थे या ओशन का, कई चीज़ें हैं, इजिप्शियन ममीज़। सो ये काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है एंड आई वुड से आप यहाँ पर एक दो घंटे का समय निकाल कर तो ज़रूर आइए इस म्यूज़ियम में। मैं आपको अगले एपिसोड में डिटेल में लेकर चलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरे ट्रैवल व्लॉग को पसंद करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करिए, सो उससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।